हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DC Boys Blog में, और फिर हम शुरू होते हैं अपनी फन वाली वीडियो के साथ। आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं हनुमान धाम, और हमारा भाई आज तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप धाप सब बढ़िया है, और हमारी रानी पीछे खड़ी है। क्यों दीप भाई? तो आज बहुत ही मज़ा आएगा भाई। चेक पोस्ट जो हमारे सीधे बेल पड़ाव को पास करती है जाने के लिए। देख सकते हो यार, ये रोड का काम चल रहा है, जेसीबी चल रही है, रोड का खुदान हो रहा है, दोबारा से रोड बनाई जा रही है। देख सकते हो जेसीबी चल रही है, भाई लगे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत से, और हम भी भाई अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। भाई गाड़ी की कंडीशन तो अभी लग रहा है बहुत ख़राब होने वाली है। भाई मेरे को तो बुखार आया था, गाड़ी का पता नहीं अब क्या होगा, मुझे लग रहा है यार कुछ ना कुछ दिक्कत ना कर जाए। आपको पता है भाई, एक गाड़ी ऐसी रोडों में कहाँ चलती है। चलो हाँ लाओ, हाथ पकड़ दे तुम्हारे वहाँ तक। भैया की गाड़ी बढ़िया करके कर देना यार भैया, गाड़ी कौन सी करंट नहीं पकड़ रही है गाड़ी। टाइम तो अभी भाई की गाड़ी ख़राब हो गई थी, और इन्हें रस्ते में मिले, थोड़ी इनकी मदद की भाई। भाई थैंक यू, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें यार। बिल्कुल भाई, कभी भी यार आपको भी कोई सड़क में कोई यार जरूरत मिले और किसी की बाइक ख़राब हो जाए, हेल्प जरूर करना। और यार भाई मदद करके बहुत अच्छा लगता है भाई, आप भी मदद करना। वेलकम भाई, भाई तो ठीक है भाई, भाई की मदद की काफ़ी अच्छा लगा यार भाई। यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये हमारे दोस्त की बाइक है, ये हमारी बाइक। यहाँ पर हमारी फ़ोटो वोटो शूट हो गई है, दीप भाई ने भी काफ़ी रील और फोटो शूट कर ली। लोकेशन पर भाई लोगों हनुमान धाम इतना वो मत भाई। ओ भाई इतना हो रहा है, अगर धूप नहीं होती तो भाई पता नहीं क्या होता, काफ़ी ठंडा है। और ये भाई हमारे हनुमान धाम रोड है, और ये भाई हमारे हनुमान धाम शुरुआत हमारे जिसका हमें था इंतजार। तो हे फ्रेंड्स, हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे हनुमान धाम, और यहाँ पे भाई हमारे हेलमेट कैरी करने के लिए मयंक है, इसको हम स्पेशल अर्थ में सामान कैरी करने के लिए लेकर आते हैं। ये देख सकते हो हमारे पीछे का व्यू, ये देखो। और अरे भाई साहब, ये तो मुझसे भी ऊँचा है। हाँ 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 ठीक ठीक, ये देख सकते हो, ये देखो, ये हमारे हेलमेट कैरी कर रहे हो। ये देखो भाई यहाँ की कलाकारी, ओहो भाई लग रहा है हकीकत का शेर है, देख सकते हो। अबे तू तो हेलमेट रख दे कहीं। कहाँ रखूँ? यार अब सब कुछ हो गया है यहाँ पे, और अब हम करते हैं अंदर की एंट्री। क्यों दीप भाई, चले अंदर? चलते हैं अंदर भाई। बिल्कुल चलो चलो भाई, थोड़ा बैक कैमरा दिखाते, नहीं तो आप भी बोलोगे हर बार अपनी शक्ल दिखा देते हो यार। बिल्कुल यहाँ पे हो गई हमारी एंट्री, और हम चले भाई अंदर को। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, बहुत बढ़िया जगह है। और दीप भाई तो अकेले अकेले मस्त हो रहे हैं भाई ने, भाई हमें भी देख लो यार, इधर देख ही नहीं रहे हो तुम तो। अरे अरे भाई, रोमी भाई को देखो देखो, ये लगे हुए हैं अपनी ब्लॉगिंग में अच्छी तरीके से। अब हम पहुंच चुके हैं अंदर मंदिर के, बट यहाँ पर अभी ताला लग चुका है। हमसे कह रहे हैं कि भाई कितने बजे के बाद खुलेगा? 5 बजे के बाद। अरे पागल, 2 बजे के बाद कह रहे हैं फ्रेंड। तो यार हम पहुंच चुके हैं बैक साइड में, और यहाँ पे हम काफ़ी घूम रहे हैं, और वो रखने गए भाई हेलमेट कैरी करने के लिए, गए दुकान में रोक रहे हैं रखने के लिए। 80 रुपये लगे हैं हेलमेट रखने में भैया। हाँ 80 रुपये। ये मन्नू था तो हमारा, मन्नू रखा था गिरमी, रख देता कोई बात नहीं। 80 रुपये लगे हेलमेट रखने के, जैसा कि ये बता रहे हैं कि हेलमेट रखने पे इनसे 80 रुपये लिए गए। सही बताना, झूठ मत बोलना, बताओ सही बता दो। कायदे से झूठ मत बोलना भाई, ईमानदारी वाली बात यह है। रुपए 80 लगे हैं, लेकिन 80 रुपये का हम सामान लिया है, फिर अंकल सामने कहे कि हेलमेट रखते हैं, देख रहे हो, लेकिन फायदा देख रहे हैं, फायदा मुंह में पानी। अमूल कूल पीता है इंडिया, और नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करना किसी का, अमूल दूध पीता है। वो दिख रहा है कुछ, भोलेनाथ है भाई, कुछ नहीं है भोलेनाथ है, ये देख सकते हो भाई। काफ़ी थोड़ा यार धूप धाप तेज है, बहुत बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ रहा है। देख सकते हो भाई कितना अच्छा व्यू है पीछे, देखो पूरा हनुमान धाम दिख रहा है।
काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं यार, बहुत अच्छी लोकेशन है। प्लीज़ आप लोग भी यहाँ पे आना यार, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों शेयर करना ज़रूर करें। यहाँ लगे हमारे दोस्त लोग, बंदे ने परेशान कर रखा। जैसा कि अभी ये बोल रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने बोला था कि एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को देख नहीं रहा है और ये सीधे जा रहा है। अपनी यार अपनी ब्लॉगिंग करने में काफी मस्त था। अच्छा, तो आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा मल्टी टैलेंट ऑफ उत्तराखंड। कोई लेडी ब्लॉगर मिली है तो आंटी जी, आपका नाम क्या है? ये तो देखा, अभी यहाँ पे सभी ब्लॉगर मिले यार, तो इनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगा। तो यार प्लीज इनके चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और यार आप लोग मुझे बताइए, आप लोग के चैनल का नाम क्या है? जो मेरा चैनल का नाम है, हमारा डीसी बॉयज ब्लॉग करके है। मल्टी टैलेंट ऑफ उत्तराखंड। तो दोस्तों, अगर मेरे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगेंगे, मेरे भजन आप लोग को अच्छे लगेंगे, तो जमकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड भाई के चैनल को भी बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटा बजा के बिल्कुल बेल आइकन दबा के बिल्कुल प्रेस करके, और हमेशा और बेस्ट 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 फ्रेंड बनकर रहिएगा उसमें। यार फ्रेंड, जैसा कि बताया था यार, प्लीज जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो तो यार इनके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि इन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया यार, मैं भी इनका चैनल का नाम तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ भाई, इतनी जल्दी इन्होंने बोला तो मेरे मुँह से तो जल्दी निकलता नहीं है। बट मैं मल्टी टैलेंटेड ऑफ उत्तराखंड इनके चैनल का नाम है। देखा कितना टाइम लगा मुझे बोलने में। भाई बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर, बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। काला दिख रहा है, काला है तो अरे काले हैं तो काले ही दिखेंगे भाई। यहाँ पे दीपू की ब्यूटी पर शक किया गया, आप देखो। अरे भाई हम काले हैं। तो यार फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको अंदर के व्यू नहीं दिखा पाया, क्योंकि भाई अंदर फ़ोटो शूट करना अलाउड नहीं है। अभी उन्होंने मना कर दिया। मैंने पूछा था कि भाई अंदर हम फ़ोटो वोटो शूट कर सकते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, फ़ोटो अंदर शूट करना सख्त मना है, कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसलिए भाई बाहर से ही दर्शन करके हम निकल चुके हैं अब यहाँ से। जूते अब किसी और के जूते मत पहन लेना, तुम्हारे ही हैं ये किसके? तो गाइस, इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भाई जरूर करें, और घंटा जरूर दबाना गाइस। और ये बहुत बढ़िया जगह थी भाई घूमने के लिए, और अपनी फैमिली के साथ जरूर आना यहाँ पे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जरूर आना भाई, बहुत बढ़िया जगह थी। और आप बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताना हमारी वीडियो में कहाँ कमी है, क्या क्या है, हम उस गलती को सुधारेंगे जरूर। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।